इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि दो सेट हैं एक्स और वाई, और ये बोला है कि जो एक्स है उसके 40 एलिमेंट है, तो अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60। चलो ये भी अच्छी बात है, ये भी अपन ने लिख लिया। फिर बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई में बता दो कितने हैं। सिंपल है भाई, अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स यूनियन इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है 60, इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू है 10। तो 40 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना 20। और जब इस माइनस 10 को इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपली आ जाएगा 30। तो वाई सेट में 30 एलिमेंट्स, सिंपल। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है।